फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम यू पिन की पट्टी को जोड़ने का सिंपल मतलब सीधा सीधा इसका जो तरीका है वो सीखेंगे, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। और मैं इसे बताने वाली थी, पर मेरी एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैडम सीधी पट्टी बनाने का जोड़ने का तरीका बताइए। ये बहुत आसान है ये भी, और देखने में सुंदर लगती है। तो देखिए, आपको इसमें 4 के मल्टीपल में जो है ये बना लेने हैं जो लूप्स हैं। देखिए, यहाँ जहाँ हमने ख़त्म किया है ये, हम इसे यहाँ पर लेंगे। यहाँ पे आपको 5 चेन बनानी। देखिए, पहली पट्टी है हमारी 1 2 3 4 5, 5 चेन के बाद यहाँ पे हम 4 लेंगे लूप, 4। ठीक है, 4 लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर 2 2 4, 4 में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन, देखिए 4 में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, फिर 4 5 चेन, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही हम लास्ट तक इसको बनाते हुए चले जाएंगे। तो बना लेते हैं पहले इसको इस तरह से। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली है, लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमारे पास 4 लूप बचे हैं, इन 4ों में हमें सिंगल क्रोशिया जोड़ देंगे। अब देखिए, 1 2 3 4 5, 5 चेन, और फिर इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। ये बेस पट्टी है, जो नीचे की पट्टी है हमारी, यही है सील है। देखिए, ये नीचे की साइड रहेगी। अब जो इसके ऊपर जो जोड़ने का काम है वो हम ऊपर से करेंगे। जो आप कार्डिगन शॉल वगैरह बनाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आप इसमें डबल क्रोशिया बना सकते हैं। एक में आप 4 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ठीक है। इसको बनाने के बाद तब आप नीचे बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। अब यहाँ हमें पट्टी जोड़नी है, तो अब देखिए, यहाँ पे 5 चेन बनाया है, 4 4 को लेके हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 का दे, देखिए 4 लिया, ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया। ऐसे ही हम फिर इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सेकंड साइड भी पट्टी को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 2 3 लूप डबल ट्रिपल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे जहाँ हमने जोड़ा था, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ से आपको टर्न होना है, यहाँ पे आप 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 के बाद इस वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन, और फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक बनाते जाना है। ये देखिए, हमने लास्ट तक बना लिया। फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया उसके पहले वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम टर्न होंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम सीधे एक चेन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के लिए, और एक सिंगल क्रोशिया इसे सिंगल क्रोशिया पर बना लेंगे, देखिए, ठीक है। अब 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन, और इसमें हम सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर आपको 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। तो फिर ऐसे ही आपको जो है ये सेकेंड रो भी बना लेनी है, जैसे ये बनाया, ठीक है। तो बना लेते हैं। ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर दी लास्ट में है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 चेन जोड़ेंगे, और यहाँ जो हमने जोड़ा है इसके बगल में यहाँ पे ये जो है हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद फिर से देखिए, यहाँ पे हम टर्न होंगे, एक चेन बनाएंगे, और इसी में हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, और इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट में। तो अब ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद वाली लाइन में हम जोड़ेंगे। तो देखिए, 1 2 और 3, 3 लाइन हो गई। तो इसको बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये वाली रो कंप्लीट कर ली। यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन बना के देखिए जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, पट्टी को मैंने उलट लिया है, देखिए यहाँ पर उलट लिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो नई पट्टी है इसमें हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन का 4 लेंगे, 1 2 3 4, देखिए 4 लूप हमने लिया, इन 4ों में हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब इसको आपको इससे जोड़ना है, तो यहाँ पे हम पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और ये जो देखिए कॉर्नर का जो लूप है 3 चेन वाला, इसके अंदर आपको नीचे से ऐसे लाना है और इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। फिर सिंगल क्रोशिया के बाद फिर 1 2, 2 चेन लेंगे, और 2 चेन के बाद देखिए यहाँ पर हम फिर 1 2 3 4, 4 में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए 1 2, 2 चेन, और फिर देखिए नेक्स्ट लूप में, नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, और फिर इसमें हम वापस से 1 2 3 4, 4 में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लूप में, देखिए अगले लूप में इसके,
देखिए, ये अब देखिए इस तरह से ही हमारा जो जो जोड़ है देखिए वो इस तरह से हो जा रहा है, देखिए ठीक है। तो इसको इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दो चैन बनानी है, मैं ऐसे दिखा दूँ आपको, देखिए एक दो, दो चैन, और फिर देखिए इसमें से आपको चार लूप लेना है, चार में हमें, चार में एक दो तीन चार, चार में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना, फिर एक दो, एक दो, दो के बाद फिर इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना, फिर एक दो, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो, फिर नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया। देखिए आपको हो सकता है अभी समझ ना आ रहा हो, मगर जब इसे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम बना लेते हैं पहले, फिर बताती हूँ। ये देखिए इसे हमने यहाँ तक जोड़ दिया, लास्ट में देखिए तीन का यहाँ पे हमने ये बना लिया है। तो इसको आपको यहाँ इसके देखिए जहाँ पे जो शुरू में सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें एक स्लिप स्टिच बना के इसे जोड़ना है। देखिए इस तरह से हम इसे लेंगे, ठीक है, और इसे हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आपको टर्न होना है, पाँच चेन बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बनाए इसमें, देखिए ये देखिए पांच चेन बनाने के बाद इसमें इस होल में हम इसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद देखिए एक दो तीन चार, चार चेन में हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन का देखिए चार लेंगे, ठीक है, फिर सिंगल क्रोशिया एक दो तीन चार पाँच, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद फिर एक दो तीन चार, ये देखिए ठीक है। तो अब देखिए ये आपका सेकेंड साइड हो गया। मैंने धागा तोड़ा नहीं है क्योंकि मुझे खोलनी है डिज़ाइन, मैंने आपको बताने के लिए जो है इसे आप ऐसे श्रिंक कर लीजिए, देखिए ठीक है। फिर इसके ऊपर अब ये जो हमने बनाया ऊपर का वो यहाँ बनेगा, फिर उसके ऊपर अगली पट्टी जुड़ेगी। तो ऐसे आप खूबसूरत सा गर्मियों के लिए टॉप बना सकते हैं धागे का यूज़ करके। ये भी श्रिंक हो रही है थोड़ा सा, जब ये बन जाएगी तो काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल होती है और बड़ा होता है, श्रग वगैरह बना सकते हैं। तो जैसे ये बनाए वैसे इसको बना सकते हैं आप। तो ये पैटर्न कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे आसान पैटर्न है अब तक का, देखने में भी बहुत आसान है, पर मुझे सेकंड वाला तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। ये पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।